हेलो गाइस, मेरा नाम है सुरेश सिंह और आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी बलिनो। ये बलिनो का जेटा वेरिएंट है, टॉप से एक नीचे। सामने से कुछ ऐसा लुक आता है इसका। ये इसका फ्रंट लुक, ये इसके हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं इसमें। ये डे टाइम रनिंग लाइट, ये हैलोजन बेस्ड फॉग लैंप मिलता है। ऐसा लोग आता है सामने से। ये इसमें 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिनका प्रोफाइल है 195/55R16। क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं इसमें पैसिव एंट्री के साथ में, और ये क्रोम लाइन। पीछे से ऐसा कुछ लुक आता है बलिनो का। इसमें कैमरा नहीं मिलता, चार रिवर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं इसमें, और ये बूट को खोलने के लिए यहाँ बटन दे रखा है। बूट लेटर कितना मिलता है वो तो मेरे को पता नहीं, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे। बाकी सफिशिएंट है इंडियन कंडीशन के हिसाब से। बूट लैंप भी मिलता है इसमें। एलईडी टेल लैंप्स मिलता है। इंटीरियर की बात करें तो ये कुछ ऐसा ही इसका स्टीयरिंग व्हील आता है, जो टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्ट होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे। इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। ये वॉइस असिस्ट का भी फीचर मिलता है इसमें। ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग नहीं है, राउंड है ये पूरा। इधर आपको ये विंडो से रिलेटेड सारे स्विचेस मिलते हैं, इससे ये ओरियंस फोल्ड हो जाता है, और इस रोटरी नॉब से एडजस्ट होते हैं। एक लीटर की बोतल इसमें आराम से आ जाएगी। इधर कोई भी स्विच नहीं दे रखा, पार्किंग सेंसर से जुड़े कोई भी नहीं है। ये इधर वाइपर्स के कंट्रोल और इधर लाइट्स के कंट्रोल। ये कुछ इसका ऐसा मीटर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो ये पावर टॉर्क वगैरह शो कर रहा है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं देखना चाहता। तो ये टाइम भी शो कर रहा है 2:24, 25°C। ये कितने किलोमीटर चल चुकी है ट्रिप बाई ट्रिप भी। अब दे रखा है ये क्लॉक, ये वापस वही टॉर्क वगैरह आ गया। कुछ ऐसा इसका डैशबोर्ड मिलता है। ये इसमें 7 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। ये हज़ार्ड बटन है। इसमें सारी स्विचेस, ये कोई भी फिजिकल कंट्रोल नहीं है वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए, बस यहाँ से ये है। इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, टेम्परेचर को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और फैन स्पीड को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं। इसमें दो ट्यूटर्स मिलते हैं सामने आपको, और ये ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है इसमें। इधर ये सनशेड में टिकट होल्डर मिलता है, और इधर वेनिटी मिरर दे रखा है लेकिन लाइट नहीं है। ये इसमें दो लैंप्स मिलते हैं, और इधर बीच में एक लैंप दे रखा है। बाकी एक इसमें ऑक्स और USB का पॉइंट दे रखा है नीचे। इधर एक चार्जिंग का सॉकेट है 12 वोल्ट का। दो कप होल्डर्स दे रखे हैं, और आगे फ़ोन रखने के लिए जगह दे रखी है। ये
इसमें 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है और ये हैंड ब्रेक मैनुअल मिलता है। ये छोटा सा कभी होल मिलता है इसमें हैंड रेस्ट। ये इसमें स्टोरेज स्पेस मिलता है सफिशिएंट। दो एयरबैग मिलते हैं इसमें, एबीएस एयरबैग सब, ईबीडी वगैरह सब मिलता है इसमें। इसमें 8000 तक की मार्किंग दे रखी है, तो ये डीजल क्या सॉरी पेट्रोल गाड़ी है। इसका स्पेस चेक करते हैं, सीट को मैं मेरे हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं इतना स्पेस है। इसमें दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रखे हैं जो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। सारी ऑल फोर पावर विंडोज मिलती है और कुछ इतना स्पेस मिलता है इसमें आपको। ये एक 12 वी का सॉकेट दे रखा है और इधर आप कुछ रख सकते हैं सामान वगैरह। ये इधर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप इधर टांग सकते हैं और इधर कोट हैंगर भी दे रखा है ये पकड़ने के लिए। चारों ही डोर्स में ये जब चालू करते हैं तो कुछ ऐसा एनिमेशन आता है इसमें। ये सिस्टम सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, यूएसबी, ब्लूटूथ, ऑक्स, सीडी को ये सपोर्ट नहीं करता। इसमें रेंज वगैरह सब दिखाता है। ये 19.5 का एवरेज दे रही है और 36 किलोमीटर की रेंज। ये टाइम आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं आप क्या देखना चाहते हैं, मीडिया फ़ोन वगैरह सब, FM, AM, DRM ये तो पता नहीं क्या है, USB, ब्लूटूथ, ऑक्स। सेटिंग की बात करें तो आप इसमें नॉर्मल सेटिंग कर सकते हैं जैसे डिस्प्ले की डेट एंड टाइम, व्हीकल अलर्ट्स, लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग, सिक्योरिटी सिस्टम, इंफॉर्मेशन रिसेट, डिस्प्ले ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, व्हीकल अलर्ट्स, डोर ओपन, पार्किंग ब्रेक, सीट बेल्ट, लो फ्यूल एक्सेट्रा, डेट एंड टाइम। काफ़ी एडवांस सिस्टम है। 7 इंच का स्क्रीन मिलती है इसमें और ये डैशबोर्ड ब्लैक ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है इसमें आपको। और ये ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ की गई है डोर पे। ऐसे इसकी चाबी मिलती है जिसमें दो बटन है, एक लॉक का एक अनलॉक का। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।